वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे देश में लॉ की फील्ड की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और हमारा यूथ लॉ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो जैसे मैं हम सब जानते हैं कि मूट कोर्ट कंपटीशन जो है एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है किसी भी लॉ कॉलेज में, और मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए आपको बनाना पड़ता है एक मूट कोर्ट मेमोरियल जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ किस तरह आप एक मूट कोर्ट मेमोरियल बनाना सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये है एक मूट कोर्ट मेमोरियल। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टीम कोड जो कि हर टीम को मिलता है। यहाँ पे हमने लिखा है मेमोरेंडम फॉर रेस्पोंडेंट। इसका मतलब है कि ये मेमोरियल रेस्पोंडेंट की साइड से बना है। अगर आप पेटिशनर की साइड से बनाओगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मेमोरेंडम फॉर पेटिशनर। रेस्पोंडेंट का फ्रंट पेज हमेशा रेड कलर का होता है और पेटिशनर का फ्रंट पेज हमेशा ब्लू कलर का। यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों पार्टीज के नाम लिखे हैं और ये भी लिखा है कि कौन सी पार्टी पेटिशनर है और कौन सी पार्टी रेस्पोंडेंट है। अगला पेज जिस पे आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप लिखते हैं कि कौन से पेज पे क्या है। इसमें आती हैं टेबल ऑफ एब्रीविएशंस, इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज, स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज, समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड, और एंड में आती है प्रेयर ऑफ रिलीफ। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस का मतलब है कि वो शॉर्ट फॉर्म्स जो आपने अपने मेमोरियल में यूज करी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं SOL स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ऑफ लॉ, UID यूनिक आइडेंटिफिकेशन, CONST स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज। इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज में सबसे पहले आता है बुक्स रेफर्ड। बुक्स रेफर्ड में उन बुक्स का नाम लिखा जाता है जिन बुक्स का आपने इस्तेमाल करा है अपना मेमोरियल बनाने के लिए। स्टैचूज। स्टैचूज में आते हैं वो लॉ जिनका आपने इसमें इस्तेमाल किया है। उसके बाद आती है वेबलियोग्राफी। वेबलियोग्राफी का मतलब है वो साइट्स जिन पे आपने नेट पे सर्च किया है और जहाँ से आपने अपना कंटेंट इस्तेमाल किया है। जैसे कि हम देख सकते हैं इंडिया कानून, लॉ फर्म, ये वो साइट्स हैं जहाँ से हमने अपने मेमोरियल का कंटेंट इकट्ठा किया है। उसके बाद आते हैं केस लॉ। केस लॉ का मतलब है कि कौन कौन से केस जो आपने अपने मेमोरियल में रेफर करे हैं। इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में आता है कि किस लॉ, किस आर्टिकल, किस एक्ट के तहत आपने अपना केस कोर्ट में फाइल किया है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं द पेटिशनर हैज अप्रोच्ड दिस ऑनरेबल कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 वो होता है जिसमें अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच हो तो आप आर्टिकल 32 के तहत अपना केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स का मतलब है आपकी मूट प्रॉब्लम, आपके फैक्ट्स जिसके ऊपर आपने अपना मेमोरियल बनाया है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कभी भी पूरे नहीं लिखे जाते, फैक्ट्स पढ़ने के बाद उनको ब्रीफ में लिखा जाता है। इसके बाद आते हैं स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज। स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज का मतलब है कि कौन कौन से इशू जिसके ऊपर आप फाइट करोगे, कौन कौन से इशू जो आपको कोर्ट के आगे प्रूव करने हैं। स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज के बाद आता है समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इश्यूज। समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि इश्यूज जो आपने इस मेमोरियल में रेज करे हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना, समरी में उनका ब्रीफ लिखा जाता है। आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड। आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड का मतलब है कि जो इशू आपने अपने मेमोरियल में रेज करे हैं उनको पूरा लिखना, उनको ब्रीफ करके लिखना, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि पहला इशू है वेदर द रिट पेटिशन इज मेंटेनेबल। यहाँ पे हमने सबसे पहले रिट पेटिशन को डिफाइन किया है। उसके बाद हमने लिखा है कि क्या क्या इसके अंदर आता है।
इसी तरह इशू टू को भी हमने यहाँ पे पूरे तरीके से एक्सप्लेन करा है और इशू थ्री को भी हमने पूरे तरीके से एक्सप्लेन करा है। इसके बाद एंड में आती है प्रेयर, प्रेयर फॉर रिलीफ। प्रेयर का मतलब है कि वो जो आप कोर्ट से मांग रहे हैं। सबसे पहले प्रेयर शुरुआत की जाती है इन द लाइट ऑफ लीगल प्रेसिडेंट्स एंड प्रिंसिपल साइटेड। इसका मतलब है कि जो जो प्रिंसिपल आपने अपने मेमोरियल में लिखे हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए आप कोर्ट से क्या मांग रहे हैं। तो इसी तरह हमारा मेमोरियल पूरा होता है। मूट कोर्ट मेमोरियल बनाने के बाद आता है मूट कोर्ट का दिन और उस दिन आपको कुछ एथिक्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। जैसे कि जब भी आप जज के आगे जाएं तो आपको परमिशन लेनी होती है, द काउंसिल सीक्स परमिशन टू अप्रोच द डाइस। इसी तरह अगर जज एक मेल और एक फीमेल है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी, द काउंसिल सीक्स परमिशन टू अप्रोच द डाइस एज लॉर्डशिप। परमिशन लेना कभी ना भूलें। जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन फैक्ट्स और अपने इश्यूज को पढ़ना शुरू करेंगे हमेशा जज से परमिशन लें। जैसे द काउंसिल सीक्स परमिशन टू स्टार्ट विद स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। और एंड में जब आप प्रेयर बोलते हो तो हमेशा आपके तीन हो, स्पीकर वन, स्पीकर टू और स्ट्रक्चर को खड़े होकर बोलनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है मूट कोर्ट मेमोरियल से रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू भाई वीडियो को शूट करते हुए। थैंक यू। और हमारे चैनल का बेल आइकन को तो तोड़ दें।